उसको नहीं धोखा नहीं दे रहा है, कंपैटिबल नहीं है, ये हमारी गलती है। देखिए क्या होता है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर साहब आपसे इन्होंने सीधे क्या किया लैपटॉप को बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन, यानी खुद एक्सेप्ट ही नहीं करता है नहीं, तो ये कंपैटिबल नहीं, क्या गलती है, आपको कंपैटिबल बनाना चाहिए था। तो देखिए क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क क्वेश्चन इन एरियाज दैट कंफ्यूज यू, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। नंबर टू, डोंट बी शाय ऑफ मेकिंग कंट्रीब्यूशन, कुछ आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, किसी भी तरह से डोंट शाय, आप उसमें शर्माए नहीं, आप डोंट हेजिटेट, आप हेजिटेट नहीं करें, ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन हो आप हेजिटेट नहीं करें। लेकिन हम और आप हेजिटेट करते हैं, करते ही नहीं करते, करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है, लेकिन चूंकि दुनिया नहीं करती है वो, तो आप कहते हैं कहां जाना करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त नहीं है। मैंने एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता, से द रॉन्ग थिंग एंड बी करेक्टेड, से द रॉन्ग थिंग एंड बी करेक्टेड, कोई भी चीज गलत है तो भाई उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको बोलिए कहिए, एंड बी यानी कोई भी चीज है आप नहीं जानते हैं या आप जानते हैं कि गलत है, तो उसको बोलने में आप शर्माइए नहीं, आप बोलिए ताकि करेक्शन कर दिया जाए आपका, आप बोलिए। अच्छा जानते हैं कि पब्लिक में 10 आदमी 20 आदमी आप बोलते हैं, क्लास में आप बोलते हैं, वहां पे गलती अगलत आप बोलते हैं और वहां पे आपका करेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे कि फिर बाद में कभी आप कहीं पर गलती करें। तो एनीथिंग सेड इन पब्लिक कैन नॉट बी फॉरगॉटन। अच्छा देखिए, बी होल, बी बोल्ड टू आस्क क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस एंड मेक कंट्रीब्यूशंस इन क्लास, दीज विल बूस्ट योर मॉरल, डिस्ट्रॉय टिमिडिटी, एनहांस लर्निंग एंड इनेबल अ गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। ऑलवेज गो टू द क्लास विद ओपन माइंड्स एंड रेडीनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, ऑलवेज एकदम फ्रेश होकर के नई चीजें सीखने के लिए आप क्या कीजिए, आप जाइए। देखिए इस सिलसिले में एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बात है और हदीस है लेकिन ज़ईफ़ है, या फिर एक रिवायत बड़ी प्यारी, मन तसावा यौमाहु फहुवा मखबून, मन तसावा यौमाहु फहुवा मखबून, कि जिसके दो दिन आज और कल बराबर रहे तो वो खसारे में है, वो घाटे में है, वो इंसान घाटे में है। तो ये आपने देखा ये कितनी बड़ी बात कही है कि जिसके दो दिन बराबर है यानी कल और आज बराबर, नथिंग न्यू यू अचीव, नथिंग इंप्रूवमेंट यू अचीव, तो आप बहुत बड़े खाते में, बहुत बड़े खसारे। मेक वर्ल्डी फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है। हमारे पास एक दो मिनट बाकी है, मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कभी मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। ये आपके लाइफ को, मैं एक एग्जांपल बताऊं कि फ्रेंडशिप फ्रेंड जो है आपके लाइफ को बहुत अच्छा बनाता है या बहुत तबाह कर, रियून कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी लाइफ को, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो किसको बनाना चाहिए, आप पढ़ चुके होंगे या फिर कभी मौका मिला तो मैं बात करूंगा। देखिए पर्सनल केयर एंड हाइजीन, मैंने कहा था पर्सनल पढ़ना नहीं, आप अपने आप को भी अपना ख्याल रखिए, है ना, अपना ख्याल रखिए। तो उसमें क्या चीज है, एक चीज है देखिए, कल्टीवेट द हैबिट ऑफ ईटिंग वेल एंड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वाटर, ठीक है, या ड्रिंक अच्छा पानी पीजिए, बेहतर पानी पीजिए और खूब पानी पीजिए, एक चीज ये है, और अच्छा खाना खाइए। इट डज नॉट मीन दैट गो टू द शफकत और एनाटोलिया, अच्छा मतलब ये नहीं, मतलब साफ सुथरा खाना खाइए, दाल भात प्रकार हो लेकिन खूब जम के खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है, और जितनी भूख को खाइए, फिर और कहीं शफकत जाइए, कहीं जाइए तो फिर बहुत ज़्यादा मत खाइए, पार्टी में जाइए तो बहुत ज़्यादा मत ले लीजिए, इतना चावल गोश्त नहीं ले लीजिए और खाइए, बाकी ज़ाया कीजिए और ओवर स्टोमक होकर के नहीं खाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें, बैलेंस फूड लेने की कोशिश कीजिए, जिसमें अगर फ्रूट मुमकिन हो सके, देखिए बहुत फ्रूट है जो सस्ते हैं, आप सस्ते फ्रूट लीजिए, उसके बड़े फायदे, केला है और इस तरह के फ्रूट से जो सस्ते फ्रूट लीजिए। अवॉइड जंक्स एंड फास्ट फूड, इसको आप अवॉइड कीजिए। टेक रेस्ट एंड स्लीप एडिक्वेटली, बोथ द बॉडी एंड द ब्रेन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। द एनवायरमेंट शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ इंसेक्ट्स मॉस्किटोज पोल्यूशन एंड हैफसाइड। अब आप कहिएगा कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, जितना आपके कंट्रोल में है उतना आप। Engage in extract
curriculum and social activities बहुत important है, बहुत important है. इसमें भी हमारे students क्या हैं, बहुत पीछे हैं, है कि नहीं है? उबैद है कि नहीं? बहुत पीछे हैं. उबैद कहने नहीं, मैं तो रहता हूँ इधर ही रहता हूँ. उबैद उबैद बोल रहा है कि नहीं? है उबैद है, आवाज नहीं दे है कि नहीं? जी कहना चाहिए. देखिए, all work and no play make Jack a dull boy. ठीक है ना? या आप लोग ज्यादा जानते होंगे प्रोवर्ब, आप लोग ज्यादा जानते हैं हमसे. Time should be given to social and extra-school college activities. देखिए, attend lectures, seminars, science, art and books exhibitions and other Islamic educational, cultural and social activities whenever and wherever, whenever it is it's possible. ये एक चीज देखिए मैंने क्या लिखा है, and social activities wherever not possible. क्या मतलब? नहीं मैंने जानबूझ के लिखा है. हाँ, मतलब अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो आप अटेंड करो. लिखना ये चाहिए था कि वेर इवन पॉसिबल, लेकिन मैंने कहा वेर इवन नॉट इम्पॉसिबल. गौर कीजिए, वेर इवन पॉसिबल में एंड वेर इवन नॉट इम्पॉसिबल में फर्क है. तो ये अपने हमारे बच्चे स्टूडेंट्स को देखें कि अगर इम्पॉसिबल नहीं है अटेंड ये प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके बाद हो गया ना पूरा? नहीं हुआ? डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक एक बात है जिसपे कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट गुफ्तगू होनी चाहिए. अल्लाह ताला जज़ा खैर दे हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब. डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट. आप लोग महसूस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को. बिकॉज योर आइडेंटिफिकेशन इज अ मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन. आप जहां भी हैं एज ए मुस्लिम पहचाने जाते हैं. तो आप जी को करवा दीजिए. अच्छा, एजुकेट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए अब क्या है हमका? डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट. हे, डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट. ठीक है, आप उसको वो कीजिए. उसके बाद आइए कि राइट ऑल टेस्ट एग्जाम्स, जितने भी टेस्ट एंड एग्जाम्स होते हैं उसको किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. उसको आपको जाना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए. उसके बाद हैव अ मेंटर इन योर कैरियर. आपने कैरियर में कोई ऐसा आदमी हो जो आपका मेंटर, जो आपको गाइड करे, जिसको आप आइडियल बना सके, जो बेहतर हो. ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको उस फील्ड में, क्योंकि जिस फील्ड में आप है उस फील्ड में अगर आपका मेंटर है तो इससे आपको क्या मिलता है? इंस्पायरेशन मिलता है. ठीक है, तो ऑलवेज हैव दोज यू लुक अप टू. दे मे बी योर पेरेंट, टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स. देयर इज अ नीड टू मूव closer to these people for guidance, advice and encouragement. They play some roles in goal actualization and in career choice. आखिरी में पहुंचे हम लोग. Do not be discouraged by past failures. आप याद रखिए जो मैंने शुरू में जो बात कही थी वो, और आखिरी में जो बात कह रहा हूँ, मैंने आखिरी में ये बात रखी है. एंड फाइनली, फाइनली क्या है आपके दिमाग में ये हो कि डोंट बी डिस्करेज बाय पास्ट फेलियर्स. आप फेल हो गए, डोंट लूज योर करेज. फेल हो गया, नो प्रॉब्लम. वन ऑफ द कीज टू सक्सेस इज टू राइज फ्रॉम पिटफॉल. क्या मतलब सक्सेस की लाल किया मैंने, इसको रेड किया है, क्या मतलब? क्या मतलब? आप उस बात को समझने की कोशिश करें जो मैंने जो रेड किया है, वो क्या मतलब है? नासिर साहब क्या मतलब है? नहीं, आप गिर गए, आप गिर गए, फेल हो गए. तो जो सक्सेस का स्टेप क्या है? गिरना? नहीं, यही मैं कहना चाहता हूं. नहीं, वो जो गिर जाना, फेल हो जाना, वो सक्सेस के लिए स्टेप नहीं है. गिर गए फिर उठ जाओ. देखिए मैंने रेड किया तो ऐसे नहीं है, गिर गया, थ्राम से गिर गए, फेल हो गए, तो वो नहीं है स्टेप सक्सेस के लिए. सक्सेस का स्टेप क्या है? फिर से खड़े हो गए.
हाँ यस, नए अज़्म के साथ, नए हौसला के साथ, नई कमिटमेंट के साथ फिर खड़े हो गए, तो वो क्या है? वो स्टेप है किसकी तरफ? सक्सेसफुल की तरफ, सक्सेसफुल की तरफ। वो है रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, अवॉइड देम, डोंट ड्वेल ऑन देम। उस पर आप मुस्तमिर मत रहिए, उस पर आप कंटिन्यू मत कीजिए। स्टेप्स शुड बी मेड टू लीव द पास्ट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सिस्टेंस एंड लीडरशिप एबिलिटीज। ठीक है, लीडरशिप एबिलिटीज। कोई आपने देखा कितने लोग जो लीडरशिप, जो लीडर्स हैं वो जब गिर जाते हैं तो क्या वो जाके घर में बैठे रोए रोते रहते हैं या फिर वो शुरू करते हैं, फिर खड़े होते हैं? तो ये था सारी बातें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ भी हम हासिल कर सके, सुन सके, कर सके, अल्लाह ताला उससे हमें और आपको फायदा पहुँचाए।